कम ऑन, लेट्स कंटिन्यू ऑन सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट FM, यूनिट 2, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, वी हैव स्टडी दैट व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट. उसके बाद हम लोगों ने देखा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, उसमें फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या है, अलग अलग अप्रोच देखे जैसे हेजिंग अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच, यानी कौन सी मेथड में हम कैसे काम करेंगे. नाउ कम कैश मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट. इजी टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन है. कैश द मोस्ट लिक्विड असेट, कैश द मोस्ट लिक्विड असेट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस टू द डेली ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. वाइल द प्रपोर्शन ऑफ असेट हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश इज वेरी स्मॉल बिटवीन 1% एंड 3%, इट्स एफिशियंट मैनेजमेंट इज क्रिटिकल टू द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस बिकॉज इन वेरी इंपॉर्टेंट सेस कैश इज द फोकल पॉइंट ऑफ द फंड फ्लो इन बिजनेस. इन अ व्यू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इट इज जनरली रिफर टू द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. मैंने सिंपल बताया कि कैश क्या है. कैश सबसे ज्यादा लिक्विड असेट है. हर बिजनेस कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपने हाथ में कैश रखेगा. क्यों? कभी भी किसी को पेमेंट करना आ सकता है. कभी भी इमरजेंसी बिजनेस में कैश की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. तो व्हाट आर द मोटिव, आपको बिजनेस में कैश क्यों रखना चाहिए, व्हाट आर द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, कैश को होल्ड करने के पीछे मकसद क्या है. तो जनरली देर आर थ्री मोटिव, फॉर होल्डिंग कैश. हाथ में कैश क्यों होना चाहिए, भले थोड़ा भी बिजनेस में, या 1% से 3% बोला है, मैं बोलता 2% या 5% क्यों होना चाहिए. व्हाट आर द मोटिव, मकसद ही क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा ना. तो मैंने बताया कि देर आर थ्री मोटिव ऑफ होल्डिंग केस. तीन मकसद है. नंबर 1, ट्रांजेक्शन मोटिव. ट्रांजेक्शन का मतलब रोज बरोज के व्यवहार करने के लिए पैसों की जरूरत होती है. नंबर 2, प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब भाई कितनी सिचुएशन ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, बोल के नहीं आती, तो ऐसे समय में हम बच सके, प्रिकॉशन ले सके, उसके लिए हमको पैसों की जरूरत होती है. दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव. एंड थर्ड वन इज स्पेक्युलेटिव मोटिव. स्पेक्युलेटिव का मतलब मौके का फायदा उठा लो, पोजीशन एनवायरनमेंट का बेनिफिट लेके, कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट का बेनिफिट लेने के लिए भी हमको पैसा होना जरूरी है. लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ द मोटिव इन डिटेल. तीनों तीन मोटिव को समझते हैं. द ट्रांजेक्शन मोटिव. The transaction motive require a firm to hold cash to conduct its business in ordinary course. Transaction motive का मतलब क्या होता है कि तुमको cash इसके लिए hold करना पड़ेगा कि तुम रोज बरोज के business के transaction को conduct कर सको. Firm need cash to meet their transaction need. Clear? कौन सी need आ गई? Transaction need आ गई. द कलेक्शन ऑफ केस. कलेक्शन ऑफ केस का मतलब केस कहाँ से आएगा कि आपने जो सेल करा है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, आप जो बिजनेस में, इज नॉट परफेक्टली सिंक्रोनाइज विद द डिसबर्समेंट, हेंस सम केस बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन द बफर. यानी यहाँ पर बोलने का मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने आज माल बना के बेचा तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऑन द स्पॉट पेमेंट मिल जाएगा, मगर जहाँ रिसीव हो जाएगा पेमेंट रिसीव हो जाएगा, अगर जहां जहां हमको पेमेंट करना है वहां तो हमको टाइम को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. तो कितनी बार ऐसा होता है कि रिसीवेबल का टाइम थोड़ा लंबा है, पेमेंट का टाइम थोड़ा जल्दी है, तो उस समय के लिए भी कुछ ना कुछ कैश अवेलेबल होना जरूरी है ताकि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं. तो पहला पॉइंट है, फॉर रेगुलर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस वी रिक्वायर टू होल्ड कैश, ओके. दूसरा आता है प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या होता है? द प्रिकॉशनरी मोटिव इज द नीड टू हेड होल्ड कैश टू मीट कंटीजेंसीज इन फ्यूचर. मैंने ऑलरेडी शुरुआत में बता दिया कि कितनी अनसर्टन सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो सकती है, होने की शक्यता है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ जाए,
बराबर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अर्थक्वेक हो जाए, बिजनेस में स्ट्राइक हो जाए, तो ये सब चीज़ें बोल के नहीं होती है। मार्केट में ऑटोमेटिकली लिमिटेशन या तो कोई प्रॉब्लम के वजह से रॉ मटेरियल की प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तो ये सब के समय हमको प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। तो उस समय भी हमारे पास कुछ ना कुछ कैश बैलेंस होना ज़रूरी है। इट प्रोवाइड क्यूशन और बफर टू अवॉइड सेंड विद सम अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी। आ गया ना कि भाई इमरजेंसी बोल के नहीं आती, कभी भी आ सकती है। एग्जाम्पल फ्लड, अर्थक्वेक, स्ट्राइक एक्सेट्रा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, अनएक्सपेक्टेड डिले। जैसे एग्जाम्पल के भाई, जहाँ से मेरे को 15 दिन बाद पैसा मिलने का था वो 2 महीने बाद आएगा, तो इसका मतलब 1.5 महीने मेरे को बिजनेस तो चलाना है, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं होती। कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे अभी लॉकडाउन लग गया, तो जो पेमेंट तो मुझे करने वो तो करने, मगर जहाँ से रिसीव थे उस पर समय लग गया, तो उसके लिए भी मैंने कुछ ना कुछ बचत करके रखी होगी, सेविंग करके रखी होगी, संभाल के रखा होगा, तो वो पैसा मेरे को इस्तेमाल में आ सकता है। देर में बी सम अनसर्टेनिटी अबाउट टाइमिंग ऑफ द कैश इनफ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ असेट, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। लाइक वाइज देर में बी सम अनसर्टेनिटी अबाउट कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब, इनफ्लो का मतलब पैसा आना, आउटफ्लो का मतलब पेमेंट जाना। टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ अगेंस्ट सच अनसर्टेनिटी, अ फर्म में रिक्वायर सम कैश बैलेंस। समझ में आया? एक तो रोज के बिजनेस के व्यवहार के लिए जरूरत पड़ सकती है, अनसर्टेन सिचुएशन के लिए हो सकती है, उसको प्रिकॉशनरी मोटिव बोला जाता है। तीसरा आता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव मीन्स डिजायर टू कैपिटलाइज एन अपॉर्चुनिटी, डिजायर टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो अभी मार्केट की पोजीशन काफ़ी टिपिकल है, तो मेरे जो व्यापारी है, सप्लायर है, उन्होंने बताया कि सर आप अगर पूरा लॉट खरीद लेते हो तो हम आपको 10% कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं 10 लाख का माल लूँगा तो ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपया तो प्योर डिस्काउंट हो गया मेरे लिए। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल है। तो मार्केट में कितनी बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको अपने बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव, यानी उसका तुम फायदा उठा सकते हो, तो उसके लिए भी हमको कैश होना ज़रूरी है। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, परचेजिंग रॉ मटेरियल एट रिड्यूस प्राइस बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट, या तो स्पेक्यूलेटिव एंड इंटरेस्ट रेट, कि भाई इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आ गया, भाई फायदा उठा लो, पैसा जरूरी है। फर्म वुड लाइक टू टेक प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी अराइजिंग फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन प्राइस, सिक्योरिटी प्राइस यानी शेयर बाजार हो, कमोडिटी, मैंने जैसे मॉर्निंग में बताया था गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट हो या फॉरेन एक्सचेंज हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, डॉलर की कीमत 70 रुपीज चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैं अमेरिका से माल इम्पोर्ट करता हूँ, आज मैं इंपोर्ट करूंगा तो 70 रुपये के भाव से माल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि $1 यानी 70 रुपये देने पड़ेंगे। मगर आज ऑटोमेटिकली कोई फ्लक्चुएशन की वजह से डॉलर की कीमत हो गई 60 रुपीज, तो कॉमन है, मेरे तो सीधे 10 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मौके का फायदा उठा लूंगा। मगर मेरे को माल खरीदने के लिए भी क्या चाहिए, कैश चाहिए, तो स्पेक्यूलेटिव हो गया, तो इसको बोलते हैं। While cash serve this function, it is an ideal resource which has an opportunity cost. ये बहुत काम की चीज़ है, MCQ में आ सकता है। While cash serve this function, क्योंकि तीन फंक्शन देके स्पेक्यूलेटिव, मगर स्पेक्यूलेटिव में क्या होता है, इट इज एन आइडियल रिसोर्स विच हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कॉमन, अगर मैंने पैसा रखा है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आइडियली पड़ा हुआ है, बेकार फालतू में पड़ा हुआ है, तो उसका फायदा उठा लो ताकि तुमको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। द लिक्विडिटी प्रोवाइडेड बाय कैश होल्डिंग इज एन एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय फॉरगोइंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। का मतलब जो होता है कि एक चीज को लेने के लिए तुम किसी न किसी चीज को सेक्रीफाइस करते हो, तो ये तुम्हारा हुआ कैश रिसीवेबल। इसमें एक ही आंसर है, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्यूलेटरी मोटिव। रेगुलर के लिए ट्रांजेक्शन, अनसर्टन कंडीशन के लिए प्रिकॉशनरी मोटिव, और मौके का फायदा उठाने के लिए होता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। क्लियर? नाउ कम्स कैश बजट।
केस बजट का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर बीकॉम में। केस बजट का मतलब आज क्या होता है, बजट को तैयार करना, कितना पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना लॉन्ग टर्म होगा, कितना शॉर्ट टर्म होगा, कहाँ से माल खरीदना है, कितना पेमेंट करना है, यानी पूरे केस के बारे में बजट को तैयार करना, दैट इज कॉल्ड केस बजटिंग। यानी फ्रॉम विच सोर्स वी विल रिसीव द मनी एंड इन विच सोर्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द मनी, यानी यूजेस एंड सोर्सेस, कहाँ से आ रहा है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। केस बजटिंग और शॉर्ट टर्म केस फोरकास्टिंग इज अ प्रिंसिपल टूल ऑफ केस मैनेजमेंट। ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, केस बजटिंग और शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म केस बजटिंग प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस फर्म आर हेल्पफुल इन। अब केस बजट का फायदा क्या होगा, तो नंबर वन एस्टिमेटिंग केस रिक्वायरमेंट, कितने की पैसों की ज़रूरत है, प्लानिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, शेड्यूलिंग पेमेंट इन कनेक्शन विथ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि हमको खर्चा करने में कहाँ कहाँ किस प्रकार से प्रॉब्लम आएगी, क्लियर कि डेवलपिंग क्रेडिट पॉलिसी, कहाँ कहाँ तुमको पेमेंट करना है, डेवलपिंग क्रेडिट पॉलिसी, चेकिंग द लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, कहाँ पे तुमको लॉन्ग समय तक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो फॉर्म यूज मल्टीपल शॉर्ट टर्म फोरकास्ट ऑफ वेरिंग लेंथ एंड डिटेल suited to meet different need. The commonly used design for short-term care forecast are one-year dividend into quarter or month. देखो ये सब practical है. One quarter dividend in month, one week divided into week. क्या ना तुमको ये सब नक्की करना है कि week में करना है, month में करना है, daily करना है, routine करना है, yearly करना है, quarterly करना है. तो ये सब चीज़ का बजट आपको तैयार करना है कि कब कौन से समय किस जगह किस प्रकार के अमाउंट की हमको जरूरत पड़ सकती है। अ फॉर्म एट प्रेजेंटेड विद लिक्विडिटी क्रंच मे इवन प्रिपेयर ए वीकली फोरकास्ट डिवाइडेड इनटू ए। द पॉइंट टू बी एम्फसाइज हियर इज दैट दिस फॉर्मेट सर्व डिफरेंट प्रपोजल शुड नॉट बी रिगार्डेड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर, यानी सिंपल देखो, द प्रिंसिपल मेथड, ये एमसीक्यू में आ सकता है, द प्रिंसिपल मेथड ऑफ शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड। कहाँ से पैसा आ रहा है जिसको अपने इनफ्लो बोलेंगे, कहाँ पैसा इस्तेमाल हो रहा है जिसको बोलते हैं आउटफ्लो बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? क्लियर, बस अभी के लिए इतना इनफ रखते हैं।